अपने सामने यहाँ से तो एम्प्टी लग रही होगी आपको, लेकिन ये एक्चुअल में यामा है FZS 150 है, जो कि आप लोगों को पता चल गया। जिन लोगों के पास 250 वाला एडिशन है या जिन लोगों के पास 150 वाला एडिशन है तो वो कुछ इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं। मजे की बात ये जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर एक फॉग लाइट लगाई है इसका, तो काफ़ी इसका फोकस रहता है, काफ़ी इसकी मार रहती है। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया, इसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है, आप दोस्तों अपने सामने यहाँ से तो एम्प्टी लग रही होगी आपको, लेकिन ये एक्चुअल में यामा है FZS 150 है, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन जो लोग कुछ इस तरीके का काम कराना चाहते हैं अपनी FZ में, जिन लोगों के पास 250 वाला एडिशन है या जिन लोगों के पास 150 वाला एडिशन है, तो वो कुछ इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं। जो कि पहली नज़र में अगर फ्रंट से आप देखोगे ना यहाँ से भाई, जैसे मान लो फ्रंट से आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो, तो पहली नज़र में एकदम से पता नहीं चलता कि यार ये एम्प्टी है या फिर ये FZS है, क्योंकि एम्प्टी का पूरे के पूरा हेडलाइट इसमें लगा दिया है। ठीक है, वैसे पहचानने वाले तो पहचान ही लेते हैं, लेकिन मेन जो है ना अटेंशन लेने वाली चीज़ बन जाती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एम्प्टी लग रही है और एक एक चीज़ की जो है वर्क कर रही है इसमें। जैसे कि आपने इग्निशन ऑन किया तो इसकी जो आइज़ है वो सब वर्क कर रही है। इस पर अगर आप लोग चाहो तो बॉडी DRL जो फ़ोन से चलते थे ना, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जो रेगुलर व्यूअर्स है, तो वो भी इस पर अटैच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एम्प्टी वाला वाइजर भी लगा दिया है। वाइजर आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि जो आप वाइजर अपने हिसाब से चाहो वो फिटिंग करा सकते हो। और ये इसका इग्निशन कुछ इस तरीके से ऑन होने के बाद ये इसकी आई चमकती है। लेकिन मजे की बात ये जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर एक फॉग लाइट लगाई है सिंगल पीस, जो कि वाई वाला एडिशन है, जो मर्सिडीज फॉग लाइट कह सकता हूँ इसको। मुझे आपने देखा होगा अलग से HAG की फॉग लाइट की आपने वीडियो देखी होगी या फॉग लाइट देखी होगी, तो आपको ये वाला जो है देखने को मिला होगा काफ़ी सारा। ठीक है जी, इसमें मिलते हैं आपको दो कलर, एक मिलेगा येलो और एक मिलेगा वाइट। तो इसको ही मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जैसे कि आपने देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ फोकस देखो इसका, तो काफ़ी इसका फोकस रहता है, काफ़ी इसकी मार रहती है। तो ये तो हो गया आपका वाइट का, ये हो गया येलो का। अब ये येलो भी देखो एकदम भाई बहुत ज़्यादा डार्क येलो है। सामने इसका फोकस दिखाना एक बार, ये देखो, तो ये हो गया। इस साइड में दिखाओ और एक बार इसका वाइट का भी चेक करो फोकस, ये देखो भाई फोकस। अभी दिन में देखो कितना ज़्यादा ये लाइट आ रही है इसकी, बाकी रात में भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाता है। तो ये जो पूरा पीस है ना, ये है पूरे के पूरा हेडलाइट आपका MT15 का, जो FZ का आता है। आप लोगों को पता ही है कैसा आता है भाई। एक बार वो भी मंगाता हूँ, एक बार FZ का दिखा देना, FZ का हेडलाइट, तो वो मैं हेडलाइट आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप चेक करो मीटर की, यहाँ पर जो है जो इंस्टॉल किया है वो जेन्युइन वही वाला है। बाकी आप चाहो तो MT वाला भी लगवा सकते हो। ठीक है, वाइजर हो गया, ये लो जी, ये है इसका वो वाला हेडलाइट जो कंपनी से आता है, यानी FZS में आता है। तो वो आपने देखा ही होगा कुछ इस तरीके से। अब ये हट गया, ये लग गया भाई, देखो। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऐसा कराना है, अगर आप लोगों को इससे लगता है कि भाई हाँ आपको लोगों को कराना चाहिए तो करा सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कि एक चीज़ काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने करा दिया तो वायरिंग में दिक्कत है, ईजी टू कनेक्ट है। लेकिन ये प्रोफेशनली बंदा हो तो ही कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी सारे काम पहले भी करवा कर गए थे, जैसे कि हैंड गार्ड तो पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा फॉग लाइट नीचे भी लगवा रखी है डबल कलर के साथ, वही सेम। ये देखो इसका फोकस ही बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, दो टू प्रोटेक्टर मिल जाते हैं एक फॉग लाइट में। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है, और जैसा कि मैं आपको बताया जी लास्ट टाइम करवा कर गए थे, तो ये बहुत ही हैवी वाला क्रैश गार्ड था जो अभी तक चल रहा है, और अभी भी कहीं से कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका। इसके अलावा यहाँ पर टूरिंग सीट जो बहुत ही कंफर्टेबल है भाई, देख सकते हो आप। तो ये है टॉप रैक हो गया, तो ऑल ओवर जो है काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी थी जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट लगवाई थी बट हट गई। मेन जो इन्होंने लेटेस्ट काम करवाया वो करवाया यहाँ का हेडलाइट, साइड से भी आप चेक कर लो एक बार इसका लुक। ठीक है, ये लो जी, एक बार इधर आगे दिखाओ, मीटर दिखाना, ये देखो गाइस इंडिकेटर का भी आप साइन देख सकते हो, पार्किंग का, हर चीज़ का इसमें मतलब पूरा वर्क कर रहा है मीटर, ये देखो। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको MT का मीटर भी लगा के दिखा दूंगा, क्योंकि अभी यही मीटर इस पर सही काम कर रहा था। बाकी जिन लोगों के पास पूरा सेटअप है, जो पूरा सेटअप खरीद लेते हैं हेडलाइट के साथ, वो भी कर सकते हैं। कराना कहाँ पर आपको, यहाँ पर दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट में SKD के नाम से। बाकी लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। ये था आज की वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।